जब परले आएगी तो क्या होगा, दोस्तों आज की वीडियो में यही सब जानेंगे। दोस्तों जैसे कि आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि एक ना एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, और दुनिया के खत्म होने के कई कारण भी बताए जाते हैं, जिनमें से परले भी एक कारण है। दोस्तों जब जब परले आएगी दुनिया खत्म हो जाएगी, अक्सर आप लोग ये सुनते आ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों क्या होगा जब परले आएगी, इसका अर्थ हम समुद्र से उठने वाली खतरनाक सुनामी लहरों से समझेंगे। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा, देखा होगा कि जब जब समुद्र से उठने वाली सुनामी लहरें शहरों की तरफ, नगरों की तरफ, पृथ्वी की तरफ बढ़ती है तो तबाही तबाही लेकर आती है। ऐसा दुनिया में कई बार हो चुका है जब समुद्र से उठने वाली खतरनाक सुनामी लहरों ने शहर के शहर तबाह कर दिए, जिनमें लोगों की जान जाने के साथ साथ लोगों के घर, मकान, गाड़ी घोड़े सब बह गए। दोस्तों जब जब सुनामी लहरें शहरों में घुसती है तो उस शहर के लोग डूबते हुए ये सोचते हैं कि शायद परले आ चुकी है और यह दुनिया खत्म होने वाली है। दोस्तों कुछ लोग पूछना चाहेंगे कि परले का क्या मतलब होता है, तो दोस्तों हम उनको बता दें कि परले का मतलब होता है कि दुनिया में पानी पानी हो जाना, पूरी दुनिया का डूब जाना और पृथ्वी से जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाना। दुनिया की तबाही और अंत करने वाले मंजर को ही परले कहते हैं। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि दुनिया में परले आने का क्या क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण ये है कि जब जब समुन्दर में भूकंप आता है तो सुनामी लहरें खतरनाक रूप लेते हुए पृथ्वी की ओर बढ़ती है और शहर के शहर, नगर के नगर तबाह कर देते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, यदि समुन्दर में एक ही साथ लगातार कई भूकंप आ जाए तो पृथ्वी के चारों ओर फैले समुन्दर में से खतरनाक सुनामी लहरें भयंकर रूप लेते हुए पृथ्वी की ओर बढ़ेगी और सारी दुनिया में पानी ही पानी हो जाएगा, जिसमें लोगों के घर मकान के साथ साथ लोगों की जान भी चली जाएगी। दुनिया में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा सिवाय पानी के। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि दुनिया के लगभग सभी देशों ने बांध बनाए हुए हैं, बांध यानी ड्रम बनाए हुए हैं, जिनमें ना जाने कितना सारा पानी का भंडार रोक कर रखा जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये बांध इसलिए बनाए जाते हैं ताकि देश दुनिया को बाढ़ जैसी खतरनाक स्थिति से बचाया जा सके, और साथ ही साथ ये ड्रम इसलिए भी बनाए जाते हैं ताकि बिजली का निर्माण किया जाए। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि यदि दुनिया में बनाए गए सभी ड्रम यानी बांध एक साथ टूट जाए तो वह दुनिया में तबाही ला सकते हैं और पूरी दुनिया में पानी पानी हो जाएगा, जो परले का रूप ले लेगा और जिसके कारण लोगों के घर मकान के साथ साथ लोगों की जान भी चली जाएगी। दोस्तों हम आपको बता दें कि दुनिया खत्म होने के बारे में लोगों ने कई तरह की भविष्यवाणी भी की है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने ऐसी भविष्यवाणी की है जिसमें कि बताया गया है कि लगातार आसमान से इतनी बारिश होगी, इतना पानी गिरेगा कि पूरी दुनिया डूब जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में हमने आप लोगों को परले आने के तीन मेन कारण बताए हैं, जिनमें से एक कारण है अचानक से समुन्दर में कई भूकंप का आना, दूसरा कारण है दुनिया में देशों द्वारा बनाए गए सभी ड्रम का यानी बांध का एक साथ टूट जाना, तीसरा कारण है लगातार आसमान से बारिश होना यानी पानी बरसना। दोस्तों इन तीनों कारण में से आपको कौन सा कारण ऐसा लगता है जो कि परले का विकार रूप ले सकता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।